हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल शिखा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और ये हम कैसे देख सकते हैं और ये ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो आज ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत मतलब डिटेल में लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में बताऊँगी, उसके ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। एक्चुअली मैं आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप मेरे इससे पहला वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। आई बटन पर मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, अब आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप पहले वहाँ जाइए और पहले ये समझिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ये स्क्रीन ओपन होने के बाद मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगी, लेकिन ऑप्शन भी मैं आपको एक साथ सारे नहीं बताऊंगी। आप जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैं आपको सारे ऑप्शंस एक बार में बता दूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो बनने वाला है और ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या कोशिश की है कि मैं आपको एक एक करके इसके हर एक डिटेल्स के बारे में बताऊंगी, जिसको इस वीडियो की सारी सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आपको कोई भी बिज़नेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि बिज़नेस मैनेजर हम सेटअप कैसे करते हैं, इसका यूज़ किया है और इसमें एसेट्स कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला, जैसे कि आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का है। इसमें जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये यूज़र का है। ठीक है, यूज़र में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो पीपल का है और पार्टनर का है। सिस्टम यूज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ डिजिटल मार्केटर के आस्पेक्ट से, एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के आस्पेक्ट से पढ़ा रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी अपनी सीरीज़ बना रही हूँ। इसीलिए मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो आपके लिए आगे वर्क करेगी और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली है। यूज़ ऐसा नहीं है ये सिस्टम यूज़र्स यूज़ नहीं होता, ये भी यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको मेन ऑप्शंस पहले एक्सप्लोर करूँगी। ठीक है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे बिजनेस मैनेजर का। ठीक है, तो चलिए आप जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो ऑप्शन है पीपल, आप इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पीपल्स ऐड कर रखे हैं, जो जिनको मैंने अलग अलग राइट्स दे रखे हैं। किसी को मैंने एडमिन का एक्सेस दे रखा है और किसी को मैंने एडमिन का एक्सेस नहीं दे रखा है। इसमें क्या है, आप कैसे एक पीपल ऐड करेंगे, पीपल क्या होते हैं। अगर आपको बिजनेस अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को किसी पीपल को ऐड करना है कि जो आपके बिजनेस मैनेजर में आके एक्सेस कर सके उसके असेट्स को, कोई ऐड अकाउंट्स देख सके, किसी ऐड अकाउंट्स में ऐड रन कर सके, तो पहले आपको उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद ही वो आपके कोई भी पेजेस का, फेसबुक पेजेस का एक्सेस ले सकता है या एड्स का एक्सेस ले सकता है। तो आप ऐड कैसे करेंगे, आपके पहले में माइंड में ही क्वेश्चन होगा कि मैम हम ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड बटन देख रहे हैं इसमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय एक्सेस देना है या एडमिन एक्सेस देना है। आपको ये टॉगल है, आप इसको ऑन कर दीजिए, आप जिसमें भी करेंगे वहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए एंड आप नेक्स्ट करके आप ये इजीली उसको एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर का क्या प्रॉफिट होता है। अगर आप यही एक्सेस फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू देंगे या वहाँ पे सेटिंग में जाके देंगे और बिजनेस मैनेजर के थ्रू नहीं देंगे, तो आपको क्या है, पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस पर्सन को आपकी, एंड देन आप उसको एडमिन का एक्सेस या एम्प्लॉय का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी उसको एक्सेस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको आपको उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है और नेक्स्ट करके आपको इनवाइट पीपल कर लेना, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे वो पर्सन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपने जो भी उसको एक्सेस दे रखा होगा, या एडमिन का दे रखा होगा या एम्प्लॉय का दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन का एक्सेस है, लेकिन आप और आप कितने भी यहाँ पे पर्सन ऐड कर सकते हैं, पीपल ऐड कर सकते हैं, और वही पीपल आपके बिजनेस मैनेजर को मैनेज करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो आपको ये पीपल ऐड करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हम आते हैं पार्टनर्स के बारे में। जैसे मैं पार्टनर्स में क्लिक करूँगी, आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं।
ठीक है, जो है पार्टनर शेयर एसेट्स पे एंड पार्टनर टू रिक्वेस्ट एक्सेस फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पार्टनर को आपको एसेट शेयर करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आप उसकी पार्टनर की आईडी डालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो पार्टनर आपके एसेट्स, जो भी आपके यहाँ पे एसेट्स हैं वो एक्सेस कर सकता है एज अ पार्टनर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप पार्टनर से रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं कि आप मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में इस ऐड अकाउंट का या इसका एक्सेस दे दीजिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज अ उसके न्यू पार्टनर ऐड हो जाएंगे और उसके बिहाफ पे आप उसके रिक्वेस्टेड एसेट्स में काम कर सकते हैं इस बिजनेस मैनेजर से। ठीक है, तो इसका मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, जैसे पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या होते हैं, अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप अगर आपको उसको एक्सेस देना चाहते हैं अपनी एसेट्स का, तो वो आपके हाथ में है, वो आपको पता है कि आपको एक्सेस क्या क्या देनी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको ऐड करके एक्सेस दे सकते हैं और वो आपका पार्टनर बन के आपके सारी एसेट्स यूज़ कर सकता है जो एक्सेस आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एज अ पार्टनर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट लेनी है, किसी से एसेट्स लेने हैं कि आप मुझे एक्सेस दे दीजिए, अपने अपने बिजनेस मैनेजर का ऐड अकाउंट आप मुझे दे दीजिए, ये पेजेस का एक्सेस मुझे करने दे दीजिए, मैं अपने बिजनेस मैनेजर से इसको हैंडल करूँगा, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिंपल ऐड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें गेट स्टार्टेड करेंगे आप, तो सिंपल सा आप फॉलो करते जाएंगे स्टेप, तो ये इजीली आपको क्या कहते हैं रिक्वेस्ट के लिए ये एक रिक्वेस्ट भेज देगा जिस भी पार्टनर को आप देना चाहते हैं और उससे आपके लिए रिक्वेस्ट करेगा और जैसे ही वो आपको रिक्वेस्ट करके एक्सेस देगा, यहाँ पे आपका पार्टनर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे कि आपने इस बिजनेस मैनेजर का किसको पार्टनर बनाया है और किससे इस बिजनेस मैनेजर के लिए आपने किससे पार्टनर का एक्सेस मांगा है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया यही दो ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज मैंने ये दोनों डिस्क्राइब कर दिए। और हाँ, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, आप कहीं पे स्टॉक हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आपको बस ऐड करके एक्सेस क्लिक करना है, तो आप जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा आप रीड करके उसको नेक्स्ट करते जाएंगे और जो भी ऑप्शन देगा तो ईजिली हो जाता है, इसीलिए इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आप मुझे कमेंट करिए। आप मेरा फेसबुक का पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम का जल्दी या लेट मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसका एक नेक्स्ट ऑप्शंस लेके। ठीक है, तब तक कि आप मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे बेल आइकन दबाना और प्लस लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन।